फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जिस तरीके से आप हमें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। तो कल है जी संडे, तो अभी रात काफ़ी लेट नाइट हो गई है, लेकिन मुझे अभी ही पूरे घर को सेट करना है, क्योंकि जैसे फिर हम संडे चर्च फिनिश करके आते हैं, हो जाता है चर्च ख़त्म, तो आके फिर हम नाश्ता करते हैं और फिर वापस थोड़ी देर में सो जाते हैं। तो सीधी बात है, क्योंकि हम लेट उठते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सैम के लिए पराठा, क्योंकि मैं थी अब्बू की तरफ, तो हमने तो वहीं पे खाना खा लिया था। तो इनको कहा था आ जाओ, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं आप आ जाओ। तो मैं अभी थका हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, तो बनाते हैं नाश्ता कह रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पराठे बनाऊंगी मैं। तो जब भी पराठे बनाती हूँ, मुझे यही लगता है कि मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने वैसे इनसे कहा है कि रात के टाइम पराठा नहीं खाते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शौक से खाते हैं, जो पराठे के बगैर नहीं रह सकते। तो जितने भी पराठा लवर्स हैं, सब हाजिरी लगाइएगा कि कौन कौन अपने घर में शौक से रात में पराठा खाता है। वैसे मैं अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि रात के टाइम पराठा जल्दी हजम नहीं होता। तो बस जी, बच्चों के जो भी काम थे वो हो चुके हैं, क्योंकि इनके डैडी ने हमारे आने से पहले ही इनका जो दूध था वो बॉयल कर लिया है। फीडर था वो मैंने एक बॉयल कर लिया है। बस अब बैलू को, एमो को मैंने नहला दिया है, लिटा दिया है, ताकि वो सो जाएं। फिर वो सुबह चर्च में मुझे बहुत तंग करती हैं, तो मैंने कहा आप दोनों सो जाओ, तो मैं फिर बस कपड़े वपड़े प्रेस करके मैं भी बस लेट रही हूँ। तो उनको लिटा दिया है। तो चलें जी, अभी हम सैम के लिए पराठा बनाते हैं, और उसके बाद अभी तो बहुत सारी तैयारी करनी है। घर को तो मैंने सारा घर एकदम चकाचक कर लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। वो कुछ कपड़े हैं जो यूज़ किए हैं, तो मुझे सामने रखने पड़ते हैं, तो इसलिए वो वहीं पे रहते हैं एमो के बैग के साथ। और अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कल एमो ने चर्च में क्या पहनना है, मैंने क्या पहनना है, इनके डैडी ने क्या पहनना है। दिखाना नहीं है मुझे, वो सब कपड़ों को प्रेस करके अभी ही रखना है, ताकि सुबह में अब्बू की मेहरबानी है जो हमें उठाते हैं, और वो ही हमें चर्च लेके जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं, उठाते हैं, हम फिर सो जाते हैं। लेकिन जब तक हम उठ ना जाए, तैयार ना हो जाए, वो हमें उठाते रहते हैं, और हम भी शुक्र है खुदावंद का उठ जाते हैं और फिर उनके साथ चले जाते हैं। तो बस अभी मैं बनाती हूँ पराठा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो सैम को लगी होगी भूख, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, उन्होंने जब कॉल की थी उससे भी मैं आधा घंटा लेट आई हूँ। चलिए जी, अभी पहले बनाते हैं उसके लिए पराठा, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मैं गई थी अब्बू की तरफ, तो हमने तो खाना वहीं पे खा लिया था, लेकिन मैं बना के गई थी दाल। तो अभी सैम आए हैं, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने खाना नहीं खाया, और सैम ने आके दूध भी बच्चों का बॉयल कर दिया है। और किस किस के पास ऐसे हस्बैंड है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं बस अभी बना रही हूँ उसके लिए पराठे, क्योंकि उसको दाल के साथ पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं कि कौन कौन रात के टाइम पराठे खाता है, और कौन कौन अपने मायके जाए तो उनके आने से पहले दूध बॉयल होता है। खाना, मैं खाना खा के आई थी, मैं खा रही हूँ चाय के साथ केक रस। तो जिस जिसको खाने हैं आ जाएं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है एक ब्लेसिंग संडे के साथ। बच्चे को दूध कितना आ रही है, उसको उठते ही दूध चाहिए होता है, फिर जो चाहिए होता है, फिर उसकी मॉर्निंग होती है। दूध भी रहे छेट जाने। ओ गुड गर्ल। चलो आप दूध फिनिश करो, तो मैं आपको कपड़े पहनाती हूँ, ठीक है? ये बेटा भाई अपनी मस्ती में है। बेलो इधर बाल तो दिखा दो, मम्मा को तो देखो। बेला बेला
चूनी च बाल दिखा दो अपने, कैची बनाए हैं नहीं दिखाने। ये देखें अम्मा का कितना प्यारा सा मैंने सुबह सुबह हेयर स्टाइल बनाया है। और बुग्गा नहीं है प्यारा, नहीं है ना प्यारा, बताओ नहीं जाना चर्च, जाना ही नहीं जाना, हाय तो बोल दो, गुड मॉर्निंग तो विश कर दो। चले जी हम चर्च पे रेडी हो चुके हैं, कर लेते हैं। क्या है? मैं तो दिखा भी नहीं सकती, चले अभी चलते हैं बस चर्च, टाइम बहुत हो गया। हम हो गए चर्च के लिए रेडी, और डैनी मैन्यू को दिखा दो, चलो चलो चले। बहुत धूप है बाहर, और बैलू ने आज चर्च में तंग भी बहुत किया। बैलू बैला, जिसकी कमाई से उनको अपनी प्रकार से मारा मारा आई मजे का। अम्मी सैम वो देख दीदी डैडी से प्यार कर रही है, आप भी जाओ भाग के, जाओ भाग के, भागने वाली हालत नहीं है वैसे। चलो हैंडी वॉश करें, चलो बाय बाय, चलो ये शैम्पू नहीं अभी नाई नहीं करनी, अभी सिर्फ हैंडी वॉश कर रहे हैं हम। और ये वो ड्रॉप्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि मैंने बैलू को पिलाए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों के लिए हैं। और ये जी एमओ की चीज़ें हैं। तो दूध बॉईल हो गया बच्चों का, अभी जी बच्चे बेड पे है, ये देखिए क्योंकि मैंगो दोनों के फेवरेट है पिचोर एमओ। चले जी आज की वीडियो भी हम यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है, कल से स्टार्ट की है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।